आज के अनमोल वचन थॉट्स ऑफ द डे, डू इट बिफोर इट्स गोन एंड बिकम बिग। जो करना है आज करो, इससे पहले कि वह चला जाए और बड़े बने। बिकम बिग। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें और बड़ों का आशीर्वाद लें। अगर खोने का डर और पाने की चाहत ना होती तो ना भगवान होता और ना प्रार्थना होती, क्योंकि इंसान तभी प्रार्थना करता है जब उसे या तो किसी चीज के खोने का डर होता है या किसी चीज को पाने की चाहत होती है। दो नियम आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। पहला है धीरज, जब आपके पास कुछ ना हो, और दूसरा है व्यवहार, जब आपके पास सब कुछ हो। इसलिए जब आपके पास कुछ ना हो तो धीरज रखें, और जब आपके पास सब कुछ हो तो अपना व्यवहार अच्छा रखें। यही आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। ईश्वर ने हमको यह जीवन दिया है, हम श्रेष्ठ करने की कोशिश करें, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें और श्रेष्ठ पाने की कोशिश करें। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इसलिए सरल व्यक्ति के साथ छल ना करें। आजकल के रिश्ते किस प्रकार होते हैं? बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। इसलिए आजकल के रिश्तों को अगर बनाना है तो बातों को सहना होगा, क्योंकि अगर आप बात को कह देते हैं तो रिश्तों के ढहने का, रिश्तों के छूटने का डर बना रहता है, और अगर हम सह जाते हैं तो रिश्ते बने रहते हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस पर कैंची मत चलाओ। ऐसे ही जिस रिलेशन में अगर गांठ पड़ गई है और वो खुल सकती है तो उसे तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि रिश्ते बनाने के लिए ही होते हैं। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। अगर कहीं पर हारना भी पड़े तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिश्तों को बनाना ही सबसे बड़ी बात है, और अगर आप रिश्तों को बनाए रखते हैं तो आप विजेता हैं। बेहतर प्रतिष्ठा पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं, लेकिन अगर आप प्रतिष्ठा को कमाते हैं तो वह अधिक मूल्यवान है। वही आपकी जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी तीन बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। वही आदमी आपका खास हो सकता है जो आपके मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझ ले, आपके गुस्से के पीछे का प्यार समझ ले, और अगर आप चुप हैं तो उसको उसकी वजह पता हो, और ऐसा व्यक्ति आपका परम मित्र हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, और आपका भाई हो सकता है। इन लोगों पर भरोसा जरूर करें।
राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अनमोल वचन सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।